प्लेऑफ मुकाबले में एक नहीं बल्कि कुल 5 बार आरसीबी ने एमआई के जबड़े से छीन लाई जीत। पूरे मुकाबले में कप्तान मंधाना ने बनाई रखी धीर। जी हां, धीर मतलब संयम, धीरज पूरे मुकाबले मंधाना ने बनाया रखा। और अगर हम इस मुकाबले की बात करें, प्लेऑफ मुकाबले के ऊपर चर्चा करें, तो गुरु आरसीबी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कुल 5 बार मुकाबले में एमआई के जबड़े से छीनी है जीत। पूरे मुकाबले में ऐसा लग रहा था बॉल 1 से कि एमआई का यह मुकाबला होगा, लेकिन अंत में जाते जाते आरसीबी ने बाजी मारी, फाइनल का टिकट कटवाया। एक नहीं बल्कि कुल 5 बार एमआई को एक ही मुकाबले में हराया है। उसी 5 जो चीजें हुई हैं, घटनाक्रम हुआ है, कहां कहां पर एमआई के जबड़े से आरसीबी ने छीनी है जीत, उसी पर हम अपने इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन गुरु, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो, वीडियोज पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आरसीबी की जीत से आप कितने खुश हैं और क्या आपको लगता है कि आरसीबी WPL 2024 की विजेता बन सकती है, नहीं बन सकती है। आ जाते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहला जो क्षण था जहां पर पूरी तरीके से एमआई गेम के ऊपर कंट्रोल बना चुकी थी, वो था 9.1 ओवर। वहां पर ऋचा घोष का जब विकेट गिरा तो ऐसा लगा कि मानो अब विकेटों का पतझड़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस संस्करण में ऋचा घोष और एलिस पेरी ने बहुत ही अजूबे अचंभे वाले काम किए थे। कई मुकाबले हारा हुआ आरसीबी को जिताया था और कई में लड़ाई भी लड़ी थी। हार गई आरसीबी, लेकिन लड़ाई और दिल पेरी और ऋचा घोष जीत कर गई थी। लेकिन इस मुकाबले में भैया जब ऋचा घोष आउट हुई तो ऐसा लगा कि अब तो भैया फ्लड गेट ऑन होने वाला है, अब विकेटों का पतझड़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज नहीं बचा हुआ है। लेकिन एलिस पेरी ने अकेले दम पर मोहरा थामा, अकेले वहां पर आरसीबी की रन गति बनाए रखी, अच्छा खासा स्कोर किया, स्कोर बोर्ड पे 135 रन बनाया, आरसीबी की गेंदबाजों के लिए कुछ लड़ने के लिए दे दिया, जिस कारण से भैया मुकाबले में आरसीबी टीम वापस आ पाई, लड़ाई करने योग्य स्कोर बन पाया सिर्फ और सिर्फ पेरी की बदौलत। तो पूरी तरीके से 9.1 ओवर पर एमआई का कंट्रोल आ गया था, लेकिन उस कंट्रोल को पूरा अपनी झोली में नहीं डाल पाई एमआई टीम। एमआई के गेंदबाजों ने 10 से 20 ओवरों में बहुत सारी गलतियां की, जिस कारण से पेरी आसानी से रन अर्जित करती हुई दिखी और मुकाबले में आरसीबी को बनाए रखा। बात करें दूसरे भैया कंट्रोल की, तो वो आरसीबी ने किया अपनी पारी के आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर, वो जहां पर जॉर्जिया वेरहम आती है अंतिम गेंद खेलने, और जो ग्राउंड का सबसे लंबा छोर होता है गुरु, उस पर बहुत ही लंबा छक्का मार देती है, जिस कारण से जो कॉन्फिडेंस था वो आरसीबी के पलड़े में झुक जाता है, एमआई का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वो जॉर्जिया वेरहम का एक छक्का बहुत ही कारगर साबित हुआ इस मुकाबले में आरसीबी के लिए, और बहुत ही दुखदायक साबित हुआ एमआई के लिए। अगर वो शाइका इशाक स्लॉट में गेंद न देती, इतना लंबा छक्का जॉर्जिया वेरहम न मारती, तो शायद वो कॉन्फिडेंस से लबरेज आरसीबी टीम, आरसीबी के गेंदबाज नहीं हो पाते, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जो चर्चा होती है वो फील्ड पर दिखता है गुरु। और वैसा हुआ आरसीबी मुकाबले में, ड्रेसिंग रूम में यही चर्चा हुई, क्योंकि कॉन्फिडेंस से भरे थे सभी खिलाड़ी, बल्लेबाज गेंदबाज आरसीबी के, कि नहीं हम तो मुकाबला हार गए थे 9.1 ओवर पे, लेकिन फिर हमने वापसी की है, अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लिया। पेरी ने कहा कि यहां पर जीता जा सकता है, आप जज्बा दिखाइए, जोश दिखाइए, जुनून दिखाइए, और हमारे गेंदबाजों के अंदर वो काबिलियत है कि हम इस मुकाबले में जीत सकते हैं। और ये जो भैया मनोबल ऊंचा करने वाला जब टॉक होता है, चर्चा होती है ड्रेसिंग रूम में, वो फील्ड पर दिखता है, वो दिखा आरसीबी के गेंदबाजों ने, अपना जज्बा, अपना जुनून, अपना जोश, अपनी काबिलियत फील्ड पर दिखाई, जिस कारण से आरसीबी विजेता साबित हुई। बात करें गुरु तीसरे मूवमेंट की, तो वो 18वां ओवर रहा श्रियंका पाटिल का। पूरी तरीके से हरमनप्रीत कौर मिलाकर ने, आप कह सकते हैं कि 17 ओवर की समाप्ति के बाद झोली में डाल दिया था एमआई के जीत। हर प्रशंसक सोचकर अब चल रहा था कि एमआई वर्सेस डीसी का फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा।
लेकिन हुआ क्या, हमें अब देखने को मिलने वाला है किसका, आरसीबी वर्सेस डीसी का मुकाबला। कारण 18वां ओवर, ओवर कॉन्फिडेंट हरमनप्रीत कौर, उनके दिमाग में चल रहा था कि अब तो डीसी से खेलना है, कितना जल्द से जल्द ये मुकाबला समाप्त कर दिया जाए। 20 रन 18 गेंद, कौर और एमिलाकर क्रीज पर थी, उसके बाद वास्त्राकर आना था, वास्त्राकर को आना था, एस संजना को आना था, मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लबरेज, एमआई का कैंप था, एमआई के खिलाड़ी थे कि अब तो डीसी से फाइनल खेलना है। लेकिन श्रेयंका पाटिल के इरादे कुछ और थे। पहली गेंद पर कौर का ब्रेन फेड मूवमेंट शुरू होता है, छक्का मारने के सोचती हैं, समझ से परे वहां पर बच जाती हैं, बहुत ही आसान सा स्टंपिंग चांस ऋचा घोष गवा देती हैं। फिर अंतिम गेंद पर दूसरा ब्रेन फेड मूवमेंट होता है हरमनप्रीत कौर का, फिर सोचती है छक्का मारकर भैया 19वें ओवर में मैच को रफा दफा किया जाए, क्यों 20वें ओवर में लेकर चला जाएगा। वहां पर डिवाइन आ जाती है, उनका अनुभव आ जाता है, उनकी बेहतरीन काबिलियत आ जाती है फील्ड पर, और एक बेहतरीन कैच लेकर हरमनप्रीत कौर को पवेलियन की तरफ चलता कर देती है। और वहीं से आरसीबी के खिलाड़ियों में एक बार फिर से जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है, कॉन्फिडेंस से लबरेज हो जाते हैं कि नहीं अब तो मुकाबला हम जीत सकते हैं, यहां से मुकाबले को पलट सकते हैं। और हुआ भी कुछ वैसा ही, मुकाबला ने पलटी मारा है। चौथा जो भैया जो रीजन था, चेज को एमआई के बल्लेबाजों ने काफी हल्के में लेने की गलती की। अगर हम बात करें शुरुआती छड़ों की, तो वहां पर जो डिस्कशन क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में, ये समझ से परे है, सोच से परे है गुरु। क्योंकि अगर आप 135 का लक्ष्य चेज करने जाते हैं, तो यास्तिका भाटिया जैसी जो बल्लेबाज होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन या एक हिदायत आप दे सकते हैं कि जाइए खुलकर खेलिए, पावर प्ले का उपयोग करिए, क्योंकि आपके बाद हमारे पास यास्तिका है, अरे हमारे पास नेट सीवर ब्रंट है, हरमनप्रीत कौर है, संजना है, पूजा वास्त्राकर है, मतलब बल्लेबाजी मेरी गहरी है, तो मैं 6 ओवरों में ही क्यों ना मैच खत्म कर दूं, जो मनोबल है आरसीबी के गेंदबाजों का क्यों ना गुरा दूं। यही अगर आप नॉकआउट मुकाबले खेलते हैं तो इसी तरीके की डिस्कशन होती है, तो यास्तिका भाटिया को ये रोल मिलना चाहिए था। लेकिन यास्तिका भाटिया इस रोल से उलट गेंदे खाई खूब, 24 या 25 गेंदों में मात्र 17 रन, और पावर प्ले के ओवरों में मुकाबला कहीं नहीं गया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि एमआई के झोली में चला गया, मतलब आरसीबी पूरे मुकाबले में पावर प्ले के दौरान थी, मुकाबला पूरी तरीके से ऐसा नहीं चला गया था कि अब आरसीबी वापसी नहीं कर सकती, कंट्रोल में था मुकाबला, दोनों पक्षों का बराबरी का मुकाबला चल रहा था। तो वो जो गलती हुई आरसीबी की और एमआई की, पहले 6 ओवरों में पावर प्ले का नहीं उपयोग किया, अगर वहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में यास्तिका भाटिया खेल जाती, 3-4 चौके मार देती, 24 गेंदों पर 30 रन बना देती, तो फिर वो दबाव कभी नहीं आता। तो वहां पर भी एक गलती हुई, रन चेंज में इंटेंट ओपनर बल्लेबाजों से नहीं दिखा। अगर हम पांचवें भैया मूवमेंट की बात करें, तो वो रहा 19वां और 20वां ओवर, जिसमें 12 गेंदों पर जो वहां पर टिकी हुई बल्लेबाज थी, सेटल्ड बल्लेबाज थी एमिलाकर गुरु, वो मात्र 4 गेंद खेलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी प्लानिंग तय रखी थी कि नए बल्लेबाज को छोर पे लाना है, उन पर उनसे उनको गेंदबाजी करनी है, एमिलाकर आएंगी तो उनको सिंगल देकर खुश हो जाना है, उनको बस सिंगल दे दीजिए, आ जाइए आप नॉन स्ट्राइक पे, वही काम हुआ पूरी प्लानिंग के साथ। और वहां पर जो 16 रन चाहिए थे 12 गेंदों पे नहीं बन पाया, क्योंकि 8 गेंदे जो नई बल्लेबाज थी उन्होंने खेला। आपको पता है कि जब विमेंस मुकाबले होते हैं, दबाव का छड़ होता है, तो स्पिनरों को छक्का मारना बहुत ही कठिन होता है, वैसा ही हुआ, न पूजा वास्त्राकर आशा शोभना को मार पाई, न संजना भैया एस मोलिनिक्स को मार पाई, पूरी तरीके से मुकाबला आरसीबी की झोली में आ गया। तो ये जो 19वां और 20वां ओवर रहा, जिसमें एमिलाकर को मात्र 4 गेंदे मिली खेलने को, वहां पर भी मोमेंटम आरसीबी ने अपनी ओर मोड़ा, ये जो प्लानिंग रही वो बहुत कारगर साबित हुई। तो इन 5 जगहों पर आरसीबी ने बाजी मारी, जहां जहां ऐसा सा प्रतीत हो रहा था कि भैया अब तो एमआई जीत गई है, इन 5 जगहों पे आरसीबी ने जबड़े से जीत छीन लाई मुंबई के और फाइनल का टिकट कटवा दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या आईपीएल 2024 की विजेता आरसीबी होने वाली है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।